चैप्टर जो है चैप्टर 11, द नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन। हम आज अपने ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे जो हमारी नर्व्स है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कैसे हमें कंट्रोल करके रखता है। बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे अपने इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है द नर्वस सिस्टम पार्ट 1। तो सबसे पहले की जो नर्वस सिस्टम है वो आगे है क्या, उसका काम क्या है, वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है, द नर्वस सिस्टम और द न्यूरल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स है न्यूरॉन्स की, वो मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम। अब जब उन्होंने मिलकर बनाया तो वो हुए इसकी फंक्शनल यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम है तो हमारी फंक्शनल यूनिट है सेल, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिल मिलकर हम बने हैं। इसी तरह जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो कैसे बनता है, वो छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर। न्यूरॉन्स क्या थे, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन्स थे वो कुछ ऐसे होते हैं, है ना। ये है इनकी फंक्शनल यूनिट। ये थी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और ये एक्सोन, ठीक है। ये था न्यूरॉन और यही है हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट। इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा ब्रेन, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोअर एनिमल्स या हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे, उसी तरह से उसी स्टेयर के इस फॉर्म में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हाईली मॉडिफाइड होता रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइडेरियंस, जो नाइडेरियंस है, जैसे कि जेलीफिश, उनका जो ब्रेन है वो सिंपल नेट की तरह होता है। जो नर्व्स है, जो ठीक है, जो नर्व्स है वो सिंपली एक नेट फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती है, ठीक है, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड रहेगा। अब नर्व्स है तो हर बॉडी में होगा, मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा ना नर्व्स, क्योंकि काम ही ऐसा है, वही तो कंट्रोल करेगा, चाहे वो छोटे से छोटा एनिमल हो या बड़े से बड़ा एनिमल, सब में जो कंट्रोल करेगा हमारा बॉडी फंक्शन वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्रैब्स हैव अ मोर कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम। अब हम क्रैब्स, जो नाइडेरियंस है, जो जेलीफिश है, उनसे हम थोड़ा ऊपर चले तो क्रैब्स आए, उनका जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा और मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। जो दो नर्व सेंटर से मिलकर बनता है, पहला है डोर्सल गैंग्लियन, दूसरा है वेंट्रल गैंग्लियन। अब जो हमारे क्रैब्स है उनका जो नर्वस सिस्टम है वो दो कह सकते हैं कि सेंटर से मिलकर बनता है। पहला है द वेंट्रल डोर्सल, दूसरा है वेंट्रल, ये दोनों गैंग्लियन मिलकर बनाते हैं उनका नर्वस सिस्टम। फिर अगर हम फिर ऊपर थोड़ा सा और ऊपर आए तो वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, जिनका एक डेवलप्ड ब्रेन होता है। जो वर्टिब्रेट्स है कौन होते हैं, वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे हम, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ब्रेन है, तो वर्टिब्रेट्स में ब्रेन आ जाता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कह सकते हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑल, अगर मैं सारे एनिमल्स की बात करूं तो उनमें, ठीक है। फिर इसके बाद, मोर ओवर, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया वही है, ठीक है, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, एक दो न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ऑल इंटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इन द ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स बेस्ड ऑन द स्टिमुलाई। अब जैसे हमें स्टिमुलाई क्या होता है कि आपको चोट लगी तो आपके ब्रेन को पता है कि आपको क्या रिएक्शन देना है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को, जो बाहर से स्टिमुलाई आ रहा है उसके बेसिस पे। विच द न्यूरॉन डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट। अब ट्रांसमिट कौन करेगा, अब ब्रेन तो नहीं जाएगा ना, अगर हमारे पैर में चोट लगी है तो ऐसे नहीं है कि ब्रेन चलकर जाएगा
और हमारे पैर को बताएगा कि ये काम करना है। ठीक है, तो इसी काम के लिए होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, जिनका काम मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसमिट करते हैं उन स्टिमुलाई को, उन ऑर्डर को जो हमारा ब्रेन देना चाहता है हमारे ऑर्गन में। ठीक है, दे ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, दो फॉर्म में, टू टाइप ऑफ फॉर्म होती है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूरॉन है वो लेकर जाता है मैसेजेस, पहली इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दूसरा केमिकल। जो हमारी बॉडी में है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं। तो हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो हमको सिर्फ यही पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो इस फॉर्म में लेकर जाते हैं वो मैसेजेस, मैसेजेस टू एंड फ्रॉम। अब वहां लेकर भी जाना है, वहां से लेकर भी आना है। ठीक है, फिर है, दस द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ द। अब क्या क्या चीजें आएंगी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट करेगी, क्या क्या चीजें जो कोऑर्डिनेट करेंगी आपस में, और फिर फंक्शन होता है सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यही तो होंगे। आप खुद ही सोचिए कि जहां चोट लगी है वो जगह जो सेंस ऑर्गन है, फिर जो लेकर जाएंगे न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में। जब तब जाकर एक स्टिमुलाई होता है, एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, और ये बहुत ही नैनो सेकंड में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, अगर वो टाइम लेगा तो ऐसा होगा कि आपको आग चोट लगी, ब्रेन ने फंक्शन किया, उसके बाद आधे घंटे बाद आप बोल रहे हो कि डॉक्टर के पास जाने क्योंकि हमें चोट लगी है। नहीं, आपको तभी उसी नैनो सेकंड में पता चल जाता है कि आपको चोट लगी है। ठीक है, तो ये बहुत झट से होता है, इसमें ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता, वो बहुत 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 नैनो सेकेंड, मैं मानकर चलता तो 0.00001 सेकेंड में ये स्टिमुलाई हमारे ब्रेन में चला भी जाता है और रिएक्शन हो भी जाता है। ठीक है, फिर ये है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। देखो, पूरी बॉडी में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां जो नर्व्स है वो ना प्रेजेंट हो, पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी जो नर्व्स है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्रेन से शुरुआत हुई, जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आएंगे हमारे नर्व्स और गैंग्लियन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो मैंने अभी बताया, पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस। तो आज हम सीएनएस के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड, अब ये एक चीज और कहते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसको कह सकते हैं कि ये मेन मेन जो नर्वस सिस्टम है वो यही है, क्योंकि ये जो ब्रेन तक मैसेज आ रहे हैं उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ही तो जो पीएनएस में आते हैं नर्व्स और गैंग्लियन वो लेकर जाएंगे, है ना। पहले ब्रेन का ही तो काम होगा, तभी तो न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे उसको, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आते हैं हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर, ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करूं तो जो हमारा ब्रेन है वो वेट करता है 1 kg to 1.5 kg। अब आप देख लीजिए कि अगर आपका वेट है 45, तो उसमें से 1 से 1.5 किलो तक आपका ब्रेन ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मोटे हो गए हो, आपको पतला होने की जरूरत है, नहीं भाई, आपका ब्रेन है जो 1 से 1.5 kg तक वेट करते हैं। ये मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ, बच्चों का छोटा होता है। ठीक है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। द ब्रेन कंटेन्स एनीवेयर बिटवीन 86 बिलियन टू 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। अब देख लीजिए कितने न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ ये मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन की बात कर रही हूँ, हमारी बॉडी उसको तो छोड़ ही दो, पहले ब्रेन देखो कि
86 बिलियन से 100 बिलियन तक ब्रेन ब्रेन में होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, इसीलिए तो वो फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब पार्ट्स पे आते हैं, आप खुद ही सोचिए क्या क्या पार्ट्स होंगे, ये और ये। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट फोर ब्रेन में ही आता है। अब फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट है, सबसे पहले है सेरिब्रम, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो होता है सेरिब्रम। ये भी सबसे लार्जेस्ट है। अगर मैं बात करूं हमारे पूरे ब्रेन की, तो उसमें जो फोर ब्रेन है वो सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे सिर्फ फोर ब्रेन की, तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो है सेरिब्रम, जो ऊपर ही होता है, सबसे अपर पार्ट। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, वो मिलकर एक सेरिब्रम बनाते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ये भी मानना ही है आपको, क्योंकि मानने में हमारा कुछ नहीं जाता। तो ये दो तरह के, मतलब दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं विद कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम में दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हुए जो कनेक्ट होते हैं किससे, कॉर्पस कैलोसम से। ये इट कनेक्ट्स बोथ हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये है लोब्स हमारे सेरिब्रम है जो उसके। अब मैंने क्या बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो होगा फोर ब्रेन, ठीक है, जिसका सेरिब्रम पार्ट। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो सबसे आगे वाला पार्ट है, ये वो है हमारा फ्रंटल, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फ्रंटल। पैराइटल उसके पीछे वाला, फिर ऑसिपिटल उसके पीछे वाला, टेम्पोरल उसके पीछे वाला। ठीक है, यही ऑर्डर है हमारे ब्रेन में इनका। तो अगर आप इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, सबसे पहले है फ्रंटल, फिर पेराइटल, फिर ऑसिपिटल और फिर लास्ट में टेम्पोरल। अब जो हमारा फ्रंटल है, जो आगे वाला पार्ट है, उसका फंक्शन क्या है, स्पीच जो हम बोलते हैं वो, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट्स। अगर मैं बात करूं कि अगर आप अकाउंट्स के कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है या कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, तो उनमें या फिर हमारी लाइफ में जितने भी रीजनिंग की दिक्कत होती है, मतलब हमें रीजनिंग जहां जहां करनी पड़ती है, वो काम करता है हमारा फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पेराइटल है वो हेल्प इन मूवमेंट, हमें मूव करना है तो जो ऑर्डर देगा वो हमारा पेराइटल लोब देगा। फिर परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड ओरिएंटेशन, ये काम है पेराइटल के। फिर आते हैं ऑसिपिटल पे, इट इज रिलेटेड टू विजुअल प्रोसेसिंग, हमें देखने के बाद, विजुअल मतलब देखना, तो देखने के बाद जो प्रोसेसिंग हमको करना है वो होता है टेम्पोर ऑसिपिटल लोब के थ्रू। फिर आते हैं लास्ट, परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मेमोरी है वो कहाँ हम रिकॉग्नाइज, अगर आपने किसी को एक बार देख लिया या दो बार देख लिया तो आपको उसका चेहरा याद हो जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो काम करता है टेम्पोरल लोब, ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड स्पीच, बोलने वाला और स्पीच, ये भी काम टेम्पोरल लोब का है। इसके बाद द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब उसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे ब्रेन में। सबसे पहला होता है ग्रे मैटर, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेस कलर का होगा। मेनली कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स प्रेजेंट होती है विच मेक अप द बल्क ऑफ द ब्रेन। उसके बाद व्हाइट मैटर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स। जो हमारा ग्रे वाला है उसमें सेल्स होंगे, जो व्हाइट वाला है उसमें एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, विच कनेक्ट्स वेरियस ग्रे मैटर। अब जो व्हाइट वाला है जो ग्रे को, ग्रे मैटर को कनेक्ट करने का काम करता है एरियाज ऑफ द ब्रेन विद। ठीक है, फिर आते हैं जो सेरिब्रम में, उसमें एक चीज और होती है, वो है सेंसरी एरियाज। अब सेंसरी के वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो जहां पे हमारे सेंसेस है वो आए, जो स्टिमुलाई है या फिर जो मैसेजेस है वो आते हैं, तो वो होता है
सेंसरी एरिया, उसके बाद एसोसिएशन एरिया, इसका काम है दीज एरिया इंटीग्रेट द इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमको आ रही है हमारे ब्रेन तक, उसको कह सकते हैं कि उसको प्रोसेस करने का काम ये करता है सेंस एसोसिएशन एरिया। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन अ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मोटर एरियाज, इनके दोनों के बीच में एक कनेक्शन, एक रोड कह सकते हैं, वो बनाता है हमारा एसोसिएशन एरिया। फिर आते हैं मोटर एरियाज। दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वोलेंट्री मसल। क्या आपको नाम से ही नहीं पता चल रहा है मोटर एरियाज मतलब क्या होगा? मतलब जो काम करवाएगा, जो मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, वोलेंट्री मसल का काम क्या है? मूवमेंट करवाना। वही तो होती है ना स्केलेटल मसल्स, वही तो है वोलेंट्री मसल, तो उनका फंक्शन करवाना वो होता है मोटर एरिया का काम। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ये था पूरा हमने पढ़ लिया सेरिब्रम। उसके बाद उसके नीचे प्रेजेंट होता है थैलेमस। जो थैलेमस है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है सेरिब्रम से, वो तो सबसे लार्जेस्ट हुआ। उसके बाद स्मॉल स्ट्रक्चर होगा थैलेमस, लोकेटेड राइट अबव द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम होती है, जो हमारे ब्रेन के सबसे नीचे होती है, ये है ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसके राइट अबव मतलब राइट वाली साइड में ऊपर थोड़ा वहां प्रेजेंट होता है थैलेमस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिले करना ये काम है। फिर नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इसका काम एक और है, मूवमेंट करवाना और कोऑर्डिनेट। जैसे हमारी बॉडी है वो एक वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन फॉर्म में वर्क करती है। ठीक है, अगर हमको मूव करना है तो सबसे पहले ब्रेन काम करेगा, वो हमको क्या ऑर्डर देगा, उसके बाद हमारा हाथ उठेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक फुली फॉर्म या वेल फॉर्म कोऑर्डिनेशन फॉर्म में काम करती है हमारी बॉडी। तो जो हमारा थैलेमस है वो ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। थैलेमस इज फाउंड इन द लिम्बिक सिस्टम। क्या है लिम्बिक सिस्टम? ये लिम्बिक सिस्टम में मिलता है, जो जो है न्यू मेमोरीज को बनाना और जो पुरानी मेमोरीज हो गई है उसको स्टोर करना। देखो, अगर आपने किसी को 2-3 बार देख लिया तो आपको उसका चेहरा याद हो जाता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसका चेहरा हमारे जो थैलेमस है उसमें छप गया है, या मैं बोलूँ तो उसका फोटो हमारे थैलेमस ने अपने पास रख लिया है, तो वो स्टोर हो गया और नई जो हमारी इंफॉर्मेशन है, नई मेमोरीज को बनाना ये भी काम होता है थैलेमस। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये, इसको मैं कहूँ कि ये बहुत सारी हमारी बॉडी में जितनी भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका जो बॉस है, सबका जो बाप है वो है हाइपोथैलेमस, जो सबको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ माइन्यूट रीजन। ठीक है, छोटा सा है, साइज होता है एक आलमंड, एक बादाम की शेप का होता है सिर्फ हाइपोथैलेमस, और काम इतने बड़े, देखो नाम छोटा काम इतना बड़ा, यही होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है उसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। रीजन्स क्या क्या है हाइपोथैलेमस के? सबसे पहला एंटीरियर रीजन, एंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, अंदर वाला रीजन क्या है? द एंटीरियर रीजन, जिसको हम सुप्रा ऑप्टिक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमको ठंड लग रही है तो शिवरिंग हो जाएगा, अगर आपको गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड मेंटेन द सर्कैडियन
रिदम क्या होता है? सिर्कैडियन रिदम ये होता है वो आप एक दिन में कब आपको उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब आपको कहीं बाहर जाना है, या फिर ये पूरी जो साइकिल है 24 आवर्स साइकिल, ठीक है, जो आपका, अगर मैं कहूँ जो आपका टाइम टेबल है एक दिन का, वो आपके माइंड में सेट हो जाता है अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो, ठीक है। तो वो 24 आवर्स साइकिल में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस में, और इन्हीं को हम कहते हैं सिर्कैडियन रिदम, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद मिडल रीजन, बीच वाला रीजन, इसमें ट्यूबरल रीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो न्यूक्लियाई होती है, एक वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई और दूसरा आरक्यूए न्यूक्लियाई। तो दो न्यूक्लियाई होती है मिडल रीजन में, एक होती है वेंट्रोमीडियल, दूसरा आर्कुएट, ठीक है। अब वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लियाई है वो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, जहां जब हमें भूख लगती है तो वो काम वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई करता है, ठीक है। और जो आर्कुएट न्यूक्लियाई है वो रिलीज करता है ग्रोथ हॉर्मोन, ठीक है, सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन को जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ के लिए। फिर आते हैं हम पोस्टीरियर रीजन में, हमने देख लिया एंटीरियर देख लिया, ठीक है, उसके बाद हमने मिडल देख लिया, हम अंदर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर, ये इनर है, ये मिडल है और ये आउटर है, ठीक है। तो दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज मैमिलरी रीजन, क्यों? द मेजर न्यूक्लियाई इंक्लूड्स, तो इसमें भी दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और दूसरा मैमिलरी न्यूक्लियाई। देखो ये न्यूक्लियस है, अगर हम इनको सिंगुलर फॉर्म में बोले तो न्यूक्लियस है, अगर प्लूरल फॉर्म में बोले तो न्यूक्लियाई है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और दूसरा होता है मैमिलरी न्यूक्लियाई। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है तो शिवरिंग और ब्लॉकेज ऑफ स्वेट एंड दिस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, वो क्या करेगा, हमको शिवरिंग करेगा, स्वेटिंग करेगा, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा, मेंटेन होगा, ये काम होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का। उसके बाद द मैमिलरी न्यूक्लियाई ऑन द कॉन्ट्रारी इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द मेमोरी फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन का एक ही काम कर रहा है, मतलब एक पार्ट ही, सिर्फ एक पार्ट ही काम करता है हमारे मेमोरी पे, नहीं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट काम करते हैं एक फंक्शन पे जो है मेमोरी, क्योंकि ब्रेन ब्रेन मतलब मेमोरी को स्टोर करना, जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि आपका ब्रेन क्या बोलते हैं कि आपके पास दिमाग नहीं है क्या, आपको याद नहीं रहता, ठीक है, उसी तरह से क्योंकि इसका मेन फंक्शन है मेमोरी को स्टोर करना या फिर न्यू मेमोरीज बनाते रहना, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमारे ब्रेन का मेमोरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैमिलरी न्यूक्लियस यही काम करता है मेमोरी के फंक्शन में। फिर आते हैं हम फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, क्या क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, जो सबसे पहला काम है, जो सबसे मेन काम है इसका, वो है होम्योस्टेसिस। क्या है होम्योस्टेसिस? हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना, वो होता है बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। अभी किस किस चीज से हो सकता है, ये शिवरिंग से होता है, ठीक है, ये स्वेटिंग से हो सकता है। तो हमें तो बस होम्योस्टेसिस करना है, अब वो शिवरिंग करे या फिर स्वेटिंग, ठीक है, सबसे मेन फंक्शन में बता रही हूँ होम्योस्टेसिस। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इस ऑल्सो कनेक्ट्स एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट था, तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है हाइपोथैलेमस। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जब जब ये हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है, जैसे चाइल्ड बर्न, इसमें कैसे, ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो हर जो मदर है उनको चाहिए होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब पार्चुरेशन का टाइम आता है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है, इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। और देखो रिलीज करना और सिक्रीट करना ये दोनों अलग-अलग बात है, सिक्रीट करना ये मतलब बनाना, ठीक है, और रिलीज करना मतलब उसको बाहर
निकालना, ठीक है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इसको बना रहा है, ये बनता हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है, ये रिलीज कहाँ से हो रहा है? ये रिलीज होता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद इमोशंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, हंसना, रोना, दुखी होना, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारा स्लीप साइकिल जो आता है 24 आवर साइकिल में ही, ठीक है। कब हमें सोना है, कब जागना है, ये भी हाइपोथैलेमस देखेगा। उसके बाद बैलेंसिंग बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस करना, वो भी यही करेगा। अब मैं फ्लूइड्स की बात करूं, एडीएच, ये नाम याद रखना, ठीक है। एपेटाइट एंड थर्स्ट कंट्रोल, मतलब भूख प्यास लगना, ये भी काम कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। और ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस जो है वो यही देखता है, हाइपोथैलेमस ही देखता है कि कैसे उनको कंट्रोल करना है, कब उनको बढ़ाना है, कब उनको कम करना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ये चेक करता है कि कब आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, कब आपको हार्ट रेट बढ़ाना है, कब कम करना है, ठीक है। ये काम हो गए हमारे हाइपोथैलेमस के, तो आज यहीं तक रखते। अच्छा, ये डायग्राम हो गया। सेरिब्रम क्या था? सबसे अपर पार्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं थैलमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस। अब हाइपो मतलब नीचे, थैलमस मतलब थैलमस के, हाइपोथैलेमस जो थैलमस से नीचे होगा, ये देखो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ एक बादाम की शेप का ही होता है, बादाम के साइज का, ठीक है, इतना सा हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस हो गया। ये सारे पार्ट्स हैं हमारे फोर ब्रेन के, ये सेरिब्रम, ये इधर जो दिख रहा है वो है थैलेमस, और यहाँ है हाइपोथैलेमस, ये हो गए फोर ब्रेन के पार्ट्स। कल हम पढ़ेंगे, अच्छा खत्म, तो कल हम पढ़ेंगे इसे आगे का जो है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, कल वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, आई मीन। तो हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, जब डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।